1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन गोवा के लोगों को 451 सालों तक झेलना पड़ा। 1961 में 19 दिसंबर को उन्हें आज़ादी मिली, यानी भारत के आज़ाद होने के करीब 14.5 साल बाद। आज़ादी के लिए गोवा के संघर्ष को मानो भुला दिया गया है। गोवा, दमन और दीव के भारत में शामिल होने के पीछे अनेकों लोगों की भूमिका थी, जिनके बारे में लोगों को शायद ही पता हो। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के 36 घंटों के भीतर पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए, लेकिन ऑपरेशन विजय इस लड़ाई का अंतिम पड़ाव था। आज़ादी की अलख गोवा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 की गर्मियों में जलाई थी। डॉक्टर लोहिया अपने मित्र डॉक्टर जूलियाओ मेनेजेस के निमंत्रण पर गोवा गए थे। लोहिया गोवा के असोलना में डॉक्टर मेनेजेस के घर पर रुके, जहां उन्हें पता चला कि पुर्तगालियों ने किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर रोक लगा रखी है। ओम प्रकाश दीपक और अरविंद मोहन की किताब लोहिया एक जीवनी में गोवा में लोहिया के संघर्ष के बारे में इस तरह से लिखा गया है। उनका इरादा तो बीमार शरीर को आराम देने का था, लेकिन गोवा जाकर उन्होंने देखा कि पुर्तगाली शासन ब्रितानियों से भी अधिक वहशी है। लोगों के किसी भी तरह के नागरिक अधिकार नहीं थे। डॉक्टर लोहिया ने 200 लोगों को जमा करके एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ा जाए। 18 जून 1946 को बीमार राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली प्रतिबंध को पहली बार चुनौती दी। तेज बारिश के बावजूद उन्होंने पहली बार एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पुर्तगाली दमन के विरोध में आवाज उठाई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मडगांव की जेल में रखा गया। महात्मा गांधी ने हरिजन में लेख लिखकर पुर्तगाली सरकार के दमन की कड़ी आलोचना की और लोहिया की गिरफ्तारी पर उन्होंने सख्त बयान दिया, जिसके बाद पुर्तगालियों ने माहौल गर्माता देख लोहिया को गोवा की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। रिहाई के बाद लोहिया के गोवा में प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन वे अपना काम कर चुके थे। पुर्तगाली दमन से परेशान गोवा के हिंदुओं और कैथोलिक ईसाइयों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ली और खुद को संगठित करना शुरू किया। गोवा से पुर्तगालियों को हटाने के काम में एक क्रांतिकारी दल सक्रिय था, उसका नाम था आजाद गोमांतक दल। विश्वनाथ लवांडे, नारायण हरि नाइक, दत्तात्रेय देशपांडे और प्रभाकर सिनारी ने इसकी स्थापना की थी। इनमें से कई लोगों को पुर्तगालियों ने गिरफ्तार करके लंबी सजा सुनाई और इनमें से कुछ को तो अफ्रीकी देश अंगोला की जेल में रखा गया। विश्वनाथ लवांडे और प्रभाकर सिनारी जेल से भागने में कामयाब रहे और लंबे समय तक क्रांतिकारी आंदोलन चलाते रहे। 1954 में लोहिया की प्रेरणा से गोवा विमोचन सहायक समिति बनी, जिसने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के आधार पर आंदोलन चलाया। महाराष्ट्र और गुजरात में आचार्य नरेंद्र देव की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। लोहिया एक जीवनी बताती है कि गोवा छोड़ने से पहले डॉक्टर साहब ने आह्वान किया कि गोवा के लोग अपना संघर्ष जारी रखें। लोहिया ने 3 महीने बाद गोवा लौटने का वादा किया, लेकिन दिसंबर 1946 आते आते भारत के दूसरे हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क उठी और लोहिया गोवा नहीं जा सके, क्योंकि वो गांधी के साथ हिंसा की आग बुझाने में लगे थे। किताब के मुताबिक लोहिया अपने वादे को भूले नहीं। वो दोबारा गोवा गए, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार भी गांधी लोहिया की गिरफ्तारी पर लगातार बोलते रहे। 10 दिन तक जेल में रखे जाने के बाद लोहिया को दोबारा गोवा की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि गोवा की आज़ादी की लड़ाई में लोहिया की भूमिका को सिर्फ गांधी का समर्थन मिला। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं नेहरू और पटेल का ध्यान गोवा की तरफ नहीं था। वो समझते थे कि इससे अंग्रेजों के खिलाफ चल रही मुख्य लड़ाई से ध्यान भटकेगा। इस बीच लोहिया ने गोवा से लगे कई जिलों का दौरा शुरू किया। उन्होंने गोवा की आज़ादी की भावना रखने वाले लोगों को संगठित करने का काम शुरू किया। उन्होंने मुंबई में बसे गोवा के लोगों को जुटाया और आंदोलन की तैयारी में जुट गए। लोहिया एक जीवनी बताती है कि गोवा वाले चाहते थे कि लोहिया ही उनका नेतृत्व करें, लेकिन गांधी जी की राय ये थी कि गोमांतक लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। इसके बाद गांधी ने लोहिया को अपने पास बुला लिया। लोहिया एक जीवनी में लिखा है, फरवरी 1947 में नेहरू ने यहां तक कह दिया कि गोवा का प्रश्न महत्वहीन है। उन्होंने इस पर भी संदेह जताया कि गोवा के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं। इसके बाद गोवा की स्वतंत्रता का आंदोलन मुरझाने लगा, लेकिन गोवा के लोगों का मन बदल चुका था। उनकी स्वतंत्र आत्मा के प्रतीक बन चुके थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मुख्तार अनीस ने अपनी किताब समाजवाद के शिल्पी पेज नंबर 142 पर लिखा है कि तब भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अस्थायी सरकार थी। उस सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बयान में कहा कि गोवा की पराधीनता भारत के गाल पर एक छोटी सी फूंसी है,
जिसे अंग्रेजों के जाते ही आसानी से मसल कर हटाया जा सकता है। मुख्तार अनीस लिखते हैं कि सरकार पटेल ने भी साफ कह दिया कि गोवा से अस्थाई सरकार का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन लोहिया को गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त था। बंटवारे और भयावह सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत को आजादी मिल गई, लेकिन गोवा पुर्तगाल के ही कब्जे में रहा। यहां तक कि 1954 में फ्रांसीसी पांडिचेरी छोड़कर चले गए, लेकिन गोवा आजाद नहीं हो पाया। भारत सरकार ने 1955 में गोवा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों के जवाब में पुर्तगाल ने क्या किया, इसकी जानकारी गोवा में रहने वाले एक बुजुर्ग होटल व्यवसायी ने बीबीसी को दी थी। तब हिगिनो रोबेलो की उम्र 15 साल थी। उन्होंने बताया, हम वास्को में रहते थे जो कि मुख्य पोर्ट था। भारतीय प्रतिबंध के बाद नीदरलैंड से आलू, पुर्तगाल से वाइन, पाकिस्तान से चावल और सब्जियां, और श्रीलंका यानी तब के सिलोन से भेजा जाने लगा। भारत और पुर्तगाल के बीच तनाव गहरा रहा था। डॉक्टर लोहिया के कई युवा समाजवादी शिष्य गोवा की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। इन लोगों में सबसे अहम नाम मधुलीमय का है, जिन्होंने गोवा की आजादी के लिए 1955 से लेकर 1957 के बीच 2 साल पुर्तगाली जेल में बिताए, जहां उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। उन दिनों गोवा की जेलें सत्याग्रहियों से भर गई थीं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन आंदोलनकारियों की रिहाई के लिए पोप से हस्तक्षेप करने की अपील की थी। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को कैसे आजादी मिली, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। जिस फुंसी की बात नेहरू कर रहे थे, उसे मसलना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। पुर्तगाल आसानी से गोवा को छोड़ने के मूड में नहीं था। वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का सदस्य था और नेहरू किसी सैनिक टकराव से हिचक रहे थे। 1961 के नवंबर महीने में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद माहौल बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री केवी कृष्ण मेनन और नेहरू ने आपातकालीन बैठक की। इसके बाद 17 दिसंबर को भारत ने 30,000 सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा भेजने का फैसला किया। इस ऑपरेशन में नौसेना और वायुसेना भी शामिल थी। भारतीय सेना की बढ़त को रोकने के लिए पुर्तगालियों ने वास्को के पास एक पुल को उड़ा दिया, लेकिन 36 घंटे के भीतर पुर्तगाल ने कब्जा छोड़ने का फैसला कर लिया। इस तरह डॉक्टर लोहिया का आजाद गोवा को देखने का सपना पूरा हुआ, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो चाहते थे। गांधी की तरह लोहिया भी चाहते थे कि गोवा सत्याग्रह से आजाद हो, न कि बंदूक की ताकत से।